लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात जो कि जो लोडशेडिंग की जो बात आप करें, मैं मुत्तफिक भी हूं लेकिन 70% नहीं हूं। देखिए, बेशक मुख्तलिफ चीज़ों से बिजली बनती है और वो महंगी है, लेकिन मैंने उस दिन बजट स्पीच पे बात की कि यहाँ पर पंजाब में पंजाब हाउस है जो प्राइम लोकेशन है, पंजाब हाउस है, केपी हाउस है, बलूचिस्तान सिंध हाउस, गिलगित-बल्तिस्तान, कश्मीर हाउस, आप जाए मेरे साथ वहां पे एमपीएस के लिए हॉस्टल है, बिजली कौन इस्तेमाल करते हैं मुझे पता नहीं है। और अनलिमिटेड आपका एक छोटा सा दुकान आप इस्लामाबाद में ऐसे प्राइम लोकेशन पे बनाते हैं तो उस दुकान से आप बिल्डिंग बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, जो हजारों कमरों पे मुश्तमिल बड़े बड़े बिल्डिंग्स है वो नुकसान में जा रहे हैं। ये मुझे बताएं कि कौन इस्तेमाल कर, इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, नंबर वन। नंबर दो ये है कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है उसने वापडा की एक बंदे को 2 लाख रुपए पे खरीदा है और वो 2 करोड़ रुपए की बिजली माहाने इस्तेमाल करते हैं और वो 2 लाख रुपए वो अपने घर ले जाते हैं, इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जो सीएनजी पंप है वो 3-4 करोड़ रुपए का माहाना, मत के वो बेस जो चोरी करते हैं, और जो एलएनजी के मत के जो 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 मुलाजिम है वो उसको 1 लाख रुपए माहाना देते, इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, वी आर द रिस्पॉन्सिबल, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें आपने हाईलाइट की। मैं कह रहा हूं कि अगर हम इस तरह तवज्जो नहीं देते हैं तो फिर हम समझते हैं कि वी आर नॉट कैपेबल फॉर दिस पोजीशन।